देखो कुछ कह रहे हैं शुरू करने का। जी नमस्कार, आप सबको नमस्कार जो लोग मौजूद हैं और जो लोग आ रहे हैं। तो क्या मैं अपनी बात शुरू करूं अर्पण? तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। आज मेरे पहला नॉवेल जिसे कहेंगे भारतीय परिवेश में लिखा हुआ शालमली, उस पर मैं बोलने जा रही हूँ। और ये गिनती में मेरा दूसरा नॉवेल है जो 1987 में आया है। आपसे बात करने से पहले मैं अपनी दोस्त लैला अत्तार, जो इराकी बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट थी, उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जिनसे मैंने एक लंबा इंटरव्यू लिया। और जो शालमली पे आप तस्वीर देख रही हैं ये उन्हीं की है। जब उनका इंटरव्यू वामा में छपा था तो इसमें एक लड़की या एक औरत थी जो बिना कपड़ों के थी और वो पेड़ों से लिपटी खड़ी थी और ये रोशनी का दायरा सामने था। तो मैंने लैला से पूछा था कि आपने बिना कपड़ों के ये औरत क्यों दिखाई है, तो उन्होंने कहा ये टाइमलेस तस्वीर है औरत की जिसमें लिबास कुछ भी नहीं कह रहा है। तो ये तस्वीर मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी और इसमें एक थॉट था कि मैं इसको शालमली के कवर पे लगाना चाह रही थी। लेकिन बहरहाल एक लंबी बहस हुई इसके ऊपर और ये कहा गया कि नहीं, तस्वीर ज़्यादा कुछ और कह देगी और किताब का मैटर रह जाएगा। तो एक आर्टिस्ट से ये उसी तरह के ये पेड़ों की, और ये समझ लो या तो सूरज है या गुफा का दहाना है जिससे रोशनी फूट रही है। तो आज के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन को मैं लैला के बारे में बात भी करना चाह रही थी। और 2003 में जब इराक पे बम्बारमेंट हुआ तो लैला का जो संग्रहालय था और जो तस्वीरें थीं और पूरा घर बिस्मार हो गया, ख़त्म हो गया। और बात ख़त्म हो गई, अरसे बाद बेटे ने मेरे इत्तला दिया कि उसने मेरा इंट्रोडक्शन किसी अपने दोस्त को दिया और उसके साथ जो है शालमली की तस्वीर उसको भेज दी किताब की। तो उसने कहा कि माँ के बारे में बताए कि लैला अत्तार, और इस तरह की बात हुई। तो मैंने बताया कि मैं उनकी दोस्त थी और फिर एक तरह से दूसरी जनरेशन से कम्युनिकेशन शुरू हुआ। तो आज के दिन लैला अत्तार को याद करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इसके बाद मैं आती हूँ शालमली पे। दरअसल शालमली बहुत चर्चा में रही और इसको समझने और ना समझने की एक कैफियत में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जैसे कहते हैं सेमिनार हुआ, गोष्ठी हुई, समीक्षा लिखी गई, इतराज़ हुए और यहाँ तक लोगों ने कह दिया आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ तो शालमली पे लोग भाग रहे हैं कि हम सीरियल बनाएंगे और दूसरी तरफ बात चल रही है कि ये कोई कैरेक्टर ही नहीं है जो उठाया गया है, और ये एक बहुत बुजदिल कैरेक्टर के साथ साथ एक बहुत समझौतावादी जिसे कहते हैं, सारी तकलीफ़ों के बाद शालमली अपने घर में रह रही है। अब सामने ये है कि शालमली का मतलब क्या है, यानी कि सेमल का दरख्त। अब सेमल का दरख्त कहाँ से आया मेरे जहन में कि मैं उसको सेमल के दरख्त के नाम से याद करूं? तो मेरे हर चैप्टर में एक दरख्त का ज़िक्र है जिससे चैप्टर शुरू होता है। तो अब ये इसको मैं कह सकती हूँ मुझे दरख्तों से बहुत प्यार है, मुझे उनको झूमता देखना और उनकी पत्तियों में बहुत ही डीपली डूब जाना बहुत पसंद है और घंटों मैं बिता सकती हूँ पेड़ और आसमान के साथ। तो ये भी हो सकता है कि एक शीरीष का दरख्त था जिसमें हरे फूल निकलते थे और वो ठीक जेनियों के घर के सामने था और उसकी जो झिलमिल करती हुई सुनहरी फलियां थीं वो आपस में बचती थीं,
या ये मैं कहूँ अमलतास है, या कहूँ मैं कृष्ण मोर पंखी है, या मैं उस का नाम लूँ जो कीकर के जंगल जेनियों में थे और जिनकी तनी हुई शाखाओं से जब धूप छनती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे गन्ना जो है, गन्ने का रस जो है वो धूप चूस रही है। तो एक अजीब तरह की कैफियत पेड़ों के साथ रही है। लेकिन क्या यही एक सच है शालमली की पैदाइश का, या ये सच है कि जब मैंने पूरा जंगल देखा इसका शालमली का, और इसके अलावा मैंने देखा एक और दरख्त था इसका जो बौद्ध उसके पीछे है, टेसू का, तो क्या ये वजह है कि मैं उसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुई। लेकिन बाद में जब मैंने शालमली के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा, अरे शालमली तो एक नर्क का नाम है और पाताल में बहने वाली एक नदी का नाम है। शालमली वो लकड़ी है जिससे माचिस भी बन जाती है, और शालमली अगर भीग गई पानी में तो बड़ी मजबूत लकड़ी हो जाती है, और शालमली की लकड़ी से ही ताबूत बनते हैं जिसमें आखिरी सफ़र जो है वो कब्र में इंसान करता है। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें जो थीं, उसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि कायनात में जो औरत है, जो सबसे हसीन तोहफा है खुदा का, और दरख्त जो है वो बहुत बड़ी है, और दरख्त का पता भी दरअसल अगर हम पढ़ें तो एक औरत ही ने उस रास को जाना था, खेती के रास को। तो मुझे लगा कि मेरी हीरोइन जो है वो शालमली होनी चाहिए। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है शालमली के पैदाइश के लिए। जिस वक्त मैंने जैसे कहते हैं दिल्ली में 1970 में मैं आई, तो मानी बात है रेडियो स्टेशन है, मंत्रालय है, यूनिवर्सिटी है, ऑफिसेज हैं, जहाँ भी गई मुझे ऐसा लगा कि जैसे औरतें सजी हुई हैं, सब बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, और यहाँ तक कि पहली पायलट, पहले इंजीनियर, उनके इंटरव्यूज, उनसे बातें, तो जिसे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता था कि ये क्या है। लेकिन ये भी एक मैं बहुत काफ़ी वजह नहीं बता पाऊँगी इसकी। मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उस ज़माने में किए और मुख्तलिफ दुनिया की औरतों से मिली, एक से एक जिसे कहते हैं हसीन, जहनी तौर से, जिस्मानी तौर से, और अपने जिसे कहते हैं कार्य क्षेत्र में। लेकिन जब बातें होती थी तो कहीं पे आके ये बात ज़रूर होती थी कि उनको वो साथी नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, तो ये कौन सी खलिश थी। फिर बहुत सारी दोस्तें ऐसी थी जो मेरी डाइवोर्सी थी, मुझसे एज में बड़ी थी, और उनको पछतावा था कि हमने डाइवोर्स क्यों लिया, हम तन्हा क्यों रह गए, लोगों के भड़कावे में क्यों आ गए। तो ये सारी बातें जो थीं वो मुझसे सवाल कर रही थी कि दरअसल ये रिश्ता है क्या, जो एकाएक शादी के बाद कारागार में बदल जाता है और दोनों हिस्से नाखुश रहते हैं फिर भी एडजस्ट करते हैं। एक दौर ये भी था कि लोगों ने रिवोल्ट किया, अपने किरदार ऐसे उठाए और वो घर छोड़ के चले गए। लेकिन जो मेरा दौर था जिसमें आज़ादी के बाद औरत की पैदाइश होती है और वो जवान होती है 80s में और 85 में या 80s के एंड में, वो सवाल करती कि नहीं, मुझे घर और बाहर दोनों चाहिए, मैं ना डाइवोर्सी रह के ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और ना तलाकशुदा, मुझे वो हक मिलना चाहिए जो मेरी चाहत है। जब मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ तो मैं मर्द की तलाश क्यों नहीं कर सकती कि सही मर्द मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो। अब ये सोच का जो सिलसिला चला, तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे आसपास जो औरतें हैं वो अपने घरों में, यानी अपनी पहचान के घर में रह रही हैं। तो सवाल ये हुआ कि अच्छा, ये नई औरत उभरी है जो दरअसल अपने पिता और पति के घर में ना रह के अपनी मेहनत और पहचान के घर में रह रही है, तो ठीकरे की मंगनी वजूद में आ गई। अब जब वो वजूद में आ गई तो लगा कि अब इस औरत को एक साथी की तलाश है,
तो तलाश कैसी होनी चाहिए? क्या इन सारे सवालों का जवाब मैं नॉवेल के बहाने शुरू करूं, या जो एक ट्रेंड था ट्रायंगल का कि दो आशिक हुए, एक पति हुआ छोड़ा जाए, या पति को छोड़ के कोई नया आदमी से शादी, एक नहीं कई बार, तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो सारी समस्याओं का हल है जो लोग झेलते रहते हैं, पढ़े लिखे भी और दूसरी तरह के तबके वाले भी? तो ये हुआ कि एक ऐसा नॉवेल लिखा जाए इन सब चीज़ों को लेके जो सवाल करे और उस बौद्धिक स्त्री को सामने लाए, विचारशील संवेदनशील औरत को सामने लाए जो अपनी चाहत का मर्द और ज़िंदगी का साथी चाहती है, और वो चाहती है कि उसको उस तरह से देखे मर्द जैसे औरतें मर्द को देखती हैं, वो अपने अपनी वजूद से माँ भी बन जाती हैं, बहन भी बन जाती हैं, प्रेमिका भी बन जाती हैं, और एक त्यागी और एक बहुत बहुत तरह के उनके रोल्स एक ही रिलेशनशिप में हो जाते हैं। तो इस तरह की मर्द की जो चाहत थी वो मेरी शालमली में उभरती है। अब जब ये उभरती है तो मानी बात है मेरा तजर्बा था, और एक ऐसा तजर्बा था जब मेरी दोस्तें जो थी क्लास फेलो थी वो बीएड करके गांव-गांव में फैल गई थी और हर जगह पढ़ा रही थी, तो वो भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस बताती थी। तो इतनी रिचनेस मुझे औरत को लेके आ गई थी कि जो कुछ लोग इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब ये तो उनको किसी उनकी दोस्त ने एक कहानी सुना दी थी वो उन्होंने लिख दी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसका जो पहला ड्राफ्ट था वो इतना बुरा बना था कि उस ज़माने में श्रीपद जी जो थे वो लोगों से अक्सर कहते थे तुम क्या लिख रहे हो मुझे पढ़ाओ, क्योंकि वो संपादक रह चुके थे, मुझसे भी पूछते थे क्या लिखा। तो जब मैंने शालमली का पहला ड्राफ्ट दिया तो वो घर आए उसको लेके और कहा मैं अब नहीं पढ़ पाऊँगा, बहुत मुश्किल से मैं घसीट पाया इसको। तो खैर मैंने चुपचाप रख लिया उसको, और उसके बाद फिर मैं मिलने ही नहीं गई, और शालमली को मैंने दोबारा रीराइट किया और उस चीज़ को उस कमियों को दूर किया और बहुत अच्छी तरह टाइप करा के मैंने उनको पेश किया। और दूसरे दिन वो फिर खुद आए और बोले मैं सारी रात सो नहीं पाया, ये किरदार मुझे हॉन्ट करता रहा और ये किरदार तुम्हें बहुत कुछ देगा, ये ज़िंदा रहेगा, ये ज़िंदा रहने वाला किरदार है। और जिन्होंने मुझसे कहा था, कृष्णा दी ने बहुत मुझे प्यार से डांटा था और कहा था कि नासर देखो तुम इसकी कीमत अदा करोगी कि तुमने बहुत ही अजीब सा किरदार। लेकिन बाद में अक्सर जब मैं उनके साथ बैठती थी खुले टी चाय पीने के लिए खुली जगहों पे और शालमली के दरख्त फूलते थे तो कहती थी यार नासर तुम्हारा वो किरदार हॉन्ट करता है। तो बहरहाल मैं इसके कुछ टुकड़े पढ़ूंगी, क्योंकि टुकड़े मैंने थोड़ा मुश्किल होता है अपनी नॉवेल को टुकड़े टुकड़ों में पढ़ना, लेकिन मैं कुछ और सवाल करने से पहले और जवाब देने से पहले किताब की शुरुआत में जो मैंने शुरू किया है वो कैसे शुरू किया वो बताना चाहूँगी। मैं केवल एक सूखा वृक्ष भर रह गई हूँ, न फल न फूल न शाख न पत्ती न छाया न ठंडक, ऐसे सूखे वृक्ष की शरण में भला कौन आना पसंद करेगा। धरती ने भी जैसे अपने स्रोत समेट लिए हैं, तभी तो मेरी जड़ें तरावट को तरसती हैं, धरती छोड़ने लगी हैं। ऐसा सूखा छाया रहित ठूंठ वृक्ष तो बस जलाने के काम का रह जाता है, लपटों के बीच कोयला बनती काली काया। अब यहाँ से शुरू होती हैं शालमली का किरदार, उसका बचपन और उसका एक हल्का सा प्यार जो किसी से उसको हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि वो आदमी मैरिड है तो ये वहाँ से हट जाती है। और फिर उसकी शादी जो होती है एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान से होती है, और उसके बाद वो बन जाती हैं, चूँकि बाप बहुत उनको पढ़ाने और आगे बढ़ाने वाले हैं,
तो वो IAS ऑफिसर, और वहाँ से झंझट की शुरुआत होती है। और जब जो कुछ फंक्शंस थे उसमें मैंने कहा था कि मैंने शालमली का किरदार इसलिए भी रखा है कि उसमें एक ठहराव तो है ही है, लेकिन ये सवाल भी मैं पूछना चाहती हूँ इसके बहाने से कि एक से एक काबिल लोग, बैरिस्टर की डिग्री लेके आने वाले लोग लंदन से, वो अपनी एकदम घरेलू बीवियों के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। तो क्या शालमली नहीं एडजस्ट कर सकती, या शालमली जैसी औरतें नहीं एडजस्ट कर पाती? ये कब तक खेल होगा कि आप एक ही खूबी देखेंगे मर्द में और दूसरी खूबियों को नज़रअंदाज कर देंगे? लेकिन वो प्रेम कहाँ चला जाता है जो आपका हो जाता है? तो क्या प्रेम का मापदंड और खुराक कम होती है कि आपकी पसंद का से शादी नहीं हुई, या मर्द ये बाद में बदल गया, या मोहब्बत जो है वो करवटें बदलती है जैसा कि अक्सर होता है? तो अब शालमली का मैं एंड पढ़ती हूँ, जहाँ से गलतफहमी लोगों को होती है और वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म का हिस्सा भी बनी। एक के बाद एक ऋतुएं बदलती रहीं, दिन गुजरते गए, टहनियाँ झरती और फूलती, बच्चे जन्म लेते और बड़े हो जाते, बाल काले से सफ़ेद हो उठते, परिवर्तन का पहिया विभिन्न स्वरों में गूंज से भरा, उसी गोलाई में घूमता रहा। और शालमली घड़ी की सुई की टिक टिक के साथ अपने को बांधे भोर से संध्या तक मशीन बनी काम करती और थक कर लौट आती थी। घर जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित था, फूलों से भरा, शांत और निर्मल, जहाँ से बहुतों को दिशा और दशा का ज्ञान मिला, मगर चिराग तले अंधेरे वाली कहावत ही साकार करती। स्वयं शालमली चाह कर दो दिशाओं को न मिला सकी। मैं पक्षी तो नहीं जो अपने ही अंडों से निकले बच्चों पर मनुष्य के हाथ लग जाने की गंध सहन न कर सकूं और उसे तज दूं, मगर जब अपना बच्चा ही मुकर जाए तो मैं भला क्या कर सकती हूँ। कभी कभी शालमली पूरे घर में चुपचाप घूमती, एक एक चीज को ताकती, एक एक कमरे में घूमती, एक गहरी सांस भरती और अस्फुट स्वर में कहती, इस घर में मेरी मेहनत की महक अवश्य है पर मानुष गंध नहीं। कितनों वर्षों बाद दोबारा फिर सेमल उसी तरह फूला है जैसे वर्षों पहले। शाम की चाय पीते समय शालमली बैठे बैठे चाहे अनचाहे उसको उसकी तरफ देख लेती है। पिछली बार सेमल की रुई से बेला ने अपने बेटे का गद्दा और तकिया बनाया था। इस वर्ष सेमल के फलों के फटने का बड़ी व्याकुलता से उसे इंतजार था। माली से बात कर ली है तो भी प्रतिदिन वो नीचे खड़े होकर उसके फल को के बदलते रंग को देखकर अनुमान लगाती है कि अब पक रहा है और फटने वाला है। कई दिनों से गर्मी बढ़ गई है, धूप में चलो तो लगता है धूप आग की तरह बदन जला रही है। आज छुट्टी का दिन है, कूलर चल रहा है तो भी घुटन है। शालमली उठकर कमरे की खिड़की का एक पट खोल देती है। बाहर आग बरस रही है और इनके बीच शालमली तेजी से बाहर की तरफ भागती है और बरामदे में जाकर ठिठकती है। सामने सेमल का दरख्त सफ़ेद रुई के गोलों से भरा है, फल गर्मी की अधिकता से फट रहे हैं, पूरा लॉन और आकाश सफ़ेद मुलायम गोल लंबे रेशों से भरा है। बेला, शालमली चीखती है। आंधी का तेज झोंका आता है और धूल आंखों में झोंक कर चला जाता है। आंचल से मुंह पोंछकर शालमली सामने देखती है। वो सारे गोल गोल गोले हवा जाने कहाँ उड़ा कर ले गई, मगर दूसरे ही पल फिर बर्फ गिरने लगी। उफ, जल्दी बंद करो दरवाजे, सारा कमरा भर गया इस कूड़े से, नरेश की घबराई आवाज़ के साथ खिड़की बंद होने की आवाज़ आती है। आंधी का वेग तेज हो गया था। शालमली ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और अधूरी छोड़ी पुस्तक को दोबारा खोलकर बैठ गई। पल भर बाद सब कुछ भूलकर पढ़ने में खो गई। पढ़ते हुए बालों में उंगलियां फेरी, कुछ अटका सा महसूस हुआ। निकाला तो सेमल की रुई थी।
शालमली उसे हाथ में पकड़े सोचने लगी, आज आंधी इन्हें जाने कहाँ कहाँ उड़ा कर ले गई है, उन्हीं बीजों को जहाँ तहाँ बिखेरेगी, सेमल के दरख्तों को रोपेगी बिना किसी संवाद के, बिना किसी पूर्ण निर्णय के। परंतु मनुष्य से मनुष्य का संबंध इतना सरल कहाँ है और उनके संवाद का अंत कहाँ है। उस टुकड़े को शालमली ने धीरे से पुस्तक के पन्ने के बीच में रखा और अध्ययन में डूब गई। यहाँ पे एक इशारा है उस आदमी का जो नई औरत के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि औरतों पे जितनी ज़्यादा बातें हुई हैं, काम हुआ है, औरतों ने जितना अपने को कल्टीवेट किया है उतना मर्दों पे काम नहीं हुआ है। ये मैं बात कर रही हूँ 1987 के उसमें, और वो सच अब भी काफ़ी हद तक सही है कि हम मान के चलते हैं कि सब कुछ ठीक है, मर्दों के साथ सब कुछ ठीक है, वो इंसान की तरह रो नहीं सकते, वो शूरवीर हैं, उनका दिल फट नहीं सकता है, वो औरत के लिए झुक नहीं सकते हैं, ये सब कुछ नहीं, बस वो हैं, बहादुर हैं। तो इसमें एक इंडिकेशन है कि नरेश उठ के दरवाज़ा बंद करता है, खिड़कियां बंद करता है, यानी उसको एहसास हो गया है कि उसका कंट्रीब्यूशन पारिवारिक जीवन में और मैन वोमन रिलेशन में क्या होना है। शुरू में बड़ी सारी टकराहटें हैं, बहुत ज़्यादा टकराहटें हैं, और शालमली जो हैं वो जब शादी के बाद घर जाती है तो जो पिता उनके दोस्त हैं जिनसे बहुत वो गब्बाजी करती रहती है, वो उससे जो डायलॉग है वो मैं पढ़ना चाहूँगी। हाँ, शालमली से पूछते हैं उनके पिताजी, सब ठीक ठाक तो है ना शालू? माँ चिंता से पूछती है, हाँ माँ मैं सुखी हूँ, तुम चिंता मत करो, हंस पड़ती है शालमली। बेटी झूठ मूठ ही कुछ तो बता दे अपनी माँ को ताकि उसकी जिज्ञासा तो शांत हो, बेचारी तेरे दुख की आशा लगाए बैठी है, तृप्त कर दे माँ को कुछ भी अनसन बता के, पिताजी ने माँ को छेड़ते हुए कहा। भगवान न करे मेरी बेटी दुखी हो, माँ चिढ़कर पल्लू संभालती हुई रसोई की तरफ बढ़ती हैं, तू सुखी है ना? माँ के जाने के बाद पिता गंभीर आवाज में प्रश्न करते हैं, सुख से आपका अभिप्राय क्या है पिताजी? शालमली उल्टा सवाल कर देती है, सुख से मेरा मतलब है कि तू अपनी घर गृहस्थी में जम गई कि नहीं, संतोष है तुझे अपने उस नए जीवन से? और पिताजी व्याख्या करने लगे, बस बस समझ गई पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं, मगर ये बताइए आप क्या पूर्ण सुखी अपने को कह सकते हैं? शालमली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पिता पर गाड़ दी। पोस्टमार्टम करना चाहती हैं? फीकी हंसी हंसकर बोले, नहीं पिताजी, मैं केवल इतना कहना चाह रही हूँ कि सुख और आनंद अपने में निरंतर बहने वाली क्रियाएं नहीं हैं, ये पल है जो सार्थक बना देते हैं पूर्ण जीवन को, वरना उनका महत्व ही समाप्त हो जाए। यदि ये निरंतर आपके जीवन से बहने लग जाए, मनुष्य के इस एक जीवन में सब कुछ मिला जुला होता है, कुछ भी तो पूर्ण नहीं है इस संसार में। पिताजी फिर मेरा जीवन इतना नीरस क्यों न कर हो जाए कि सुबह शाम केवल आनंद की वर्षा ही होती जाए, सुख की अनुभूति हो, कितना कुंठित कितना ठहरा कितना ठस हो जाएगा मेरा जीवन। शालमली उठी, ये बता पिता को तो बहस में परास्त कर देती है, नरेश को हरा पाती है या नहीं? पिता ने जोर से कहकहा लगाया, बहस वो भी नरेश से? वो तो बहुत कम बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बंधा बंधाया, रोज की दिनचर्या की तरह सटीक और तयशुदा। शालमली खिलखिलाकर हंस पड़ी, तब हमारी बिटिया रानी क्या करती है? पिता ने उसी लहजे से पूछा,
चुपचाप घर को याद करती हूँ, आपके पास आने को मन बेतरह मचलता है। शालमली का स्वर धीमा और चेहरा उदास हो गया। उसकी रुचियाँ क्या है, पिता ने शंकित हो पूछा। कुछ भी नहीं, उनका संसार बहुत सीमित है पिताजी, घर दफ्तर मित्र यही त्रिकोण है उनकी सोच और बातों का, बस। शालमली ने एक बार में सब कुछ कह दिया। एक लड़कियां हैं वो एक अलग तरीके से बाप उनको बड़ा करते हैं, वो एक अलग तरह से एडजस्ट करती हैं, उनका खुलापन होता है, उनका उनकी ग्रोथ होती है और यकायक सब कुछ बदल जाता है। और जिस घर में वो जाती हैं वहाँ के लोग ये मानने को तैयार भी नहीं हैं कि इनके साथ एडजस्ट किया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि ये हमारे साथ एडजस्ट करें। और बहुत ही खूबसूरत इन लोगों का ज़िंदगी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो स्पर्श की भूमिका कहीं कहीं मैंने डाली है कि शालमली पैर भी दबा देती है, उसके कहने से सर में तेल भी लगा देती है, इसमें तो जिसे कहते हैं तूफान उठ गया था कि ये किस किस्म की औरत है जो इस हद तक आप उससे काम करवा रही हैं। अब ये मैन वुमेन रिलेशनशिप में मतलब अजीब तरह के सवाल से मैं दो चार हुई। इसके बाद ये IAS बन जाती हैं और वहाँ से जैसा मैंने पहले कहा कि एक हंगामा शुरू होता है इनके किरदार का। और चूंकि ये लड़की जो है वो पली बढ़ी है दिल्ली में, और एक छोटे से शहर का या गांव का लड़का जो है वो आता है और वो हर तरह से शालमली के ओहदे से फ़ायदा उठाना चाहता है, जो ज़्यादातर हम लोगों के जिसे कहते हैं दिमागी सिचुएशन रहती है कि बीवी अफसर हो गई तो ये काम करवा लो, दोस्तों में रोब करवा लो या कुछ और बातें हों। और शालमली कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं झुकी तो 10 काम मिनिस्टर मुझसे करवाएंगे। और उसको बहुत चाहत है कि जल्दी से घर अलॉट करवा लो, कार ले लो और बहुत तरह के हैं। अब वो सब चीज़ें तो इसमें आई हैं एक अलग अलग अंदाज से, जिन्होंने पढ़ा है तो ठीक है। और मैं एक टुकड़ा और पढ़ती हूँ। जब वो शालमली याद करती है अपने उस नाजुक से एहसास को जो पहली बार एक कुंवारे मन में उभरा था किसी के लिए, और बाद में निराशा होती है नरेश के साथ, तो वो कहती है मैं दूसरी औरत बनने की प्रताड़ना से घबरा कर पहली औरत बनी थी, मगर धर्म पत्नी बनकर इतना तिरस्कार, इतना अपमान, इतनी घृणा, इतना अंकुश, ये अनुभव, ये कड़वापन मैंने कभी झेलना नहीं चाहा था। इसी प्रताड़ना के भय से मैं सब कुछ पीछे छोड़ आई थी कि समाज में सर उठा कर जीऊंगी। सर झुकाना मैंने कभी नहीं स्वीकार किया था। समाज के नियम को अपनाकर और उसकी मर्यादा का पालन करके मुझे क्या मिला, न मान न सम्मान। शालमली लॉन में बैठी जाती धूप को देख रही थी। ये एक तरह का एहसास है जो वो अपने अंदर लगातार जीती है कि जो आदमी है वो उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, या वो जिस तरह का उसके साथ मतलब अपने को बांटना चाहती है वो क्यों नहीं बांट पा रही है। और उसकी वजह भी है कि नरेश कहता है भाई तुम जो कुछ सवाल करती हो वो मेरे समझ ही में नहीं आता है। और ठीक भी है क्योंकि माँ उसकी कहती है कि हम लोगों में आपस में कभी बातचीत ही नहीं होती, ना बेटा वो करता है ना बाप मुझसे इस तरह की बात करता है। तो मानी बात है जो उसकी परवरिश हुई है। और ये अजीब सी बात है कि उस ज़माने में ज़्यादातर औरतों की शिकायत ये थी कि मर्द बात नहीं करते। शायद स्वामी लोग जो हैं वो नौकरों पे रोक जमा के रखना चाहते हैं तो मुंह नहीं लगाते, शायद यही एक वजह होगी। तो एक और टुकड़ा मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब शालमली इन सारी घुटन इल्ज़ामों बदतमीजियों से तंग आ जाती है तो फिर एक हादसा होता है और जिसमें वो अपना आपा खो देती है। वो जो संयम है पढ़ी लिखी विचारशील औरत का, कैरेक्टर को रीड करना, समाज को समझना,
और जिंदगी के साथ जिसे कहते हैं सुलझे अंदाज से बर्ताव करना, वो एकदम टूट जाता है। कुछ ऐसी घटना होती है, वो मैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो उसके बाद शालमली क्या महसूस करती है। पहली बार शालमली ने अपना विवेक खोया था। सीने में घुटती तेज चित्कार को कहीं गहरे दबाकर पागलों की तरह अपना सर बाथरूम की दीवार पर मारा, बेकरार तड़पते हाथों को पटका। अगर उसने अपने को रोका ना होता तो शायद कुछ अशुभ घट जाता। तेज धौकनी की तरह चलती सांसों के बीच एक संतोष की लहर सुलगती शिराओं में पानी छिड़कती गुजर गई। शालमली, दरवाजा खोलो। घंटा गुजर जाने के बाद नरेश अपने चेहरे और हाथों पर पड़ी खरोंचों की चिनचिनाहट पर ढूंढ कर मरहम लगाने के बाद होश में आया कि शालमली इस तरह से बाथरूम में अपने को बंद करके क्या कर रही है। जब काफी देर गुजर गई और कोई आहट नरेश को न मिली तो वह सचमुच घबरा गया। परेशानी में इधर से उधर कमरे में टहलने लगा। कई भयानक विचार उसके मस्तिष्क में कौंधने लगे। आशंका से उसका दिल धड़क उठा और माथे पर पसीना छलक आया। एकाएक उत्तेजना में भर कर दोनों हाथों से दरवाजे पर घूंसे मार कर चीखा, देखो शालू, यदि तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं धक्के मार मार कर दरवाजा तोड़ दूंगा। शालमली उसी तरह निश्चल चेतना शून्य घुटने पर सर रखे बैठी रही। गृहणा उसके रोम रोम से टपक रही थी। मुंह से आवाज तो दूर, शरीर का कोई भी अंग हिलने वाला नहीं लग रहा था। इस औरत ने कुछ कर ना लिया हो, फंस गया। घबराहट में दरवाजा पीटते हुए नरेश के मुंह से अचानक निकला। निढाल पड़ी शालमली के तन में बिजली कौन थी। अपनी जगह से उठी और झटके से दरवाजा खोलकर तिरस्कार बरसाती आंखों से नरेश को घूरा। तुम मुझे इतना भीरू समझते हो? शालू, मैं मजाक कर रहा था। क्या तुमने मेरे मजाक को नहीं समझा? नरेश ने शालमली को अच्छा भला सामने खड़ा देखकर संतोष की सांस भरी और मनुहार भरे स्वर में कहता हुआ शालमली का बाजू प्यार से थामा ताकि उसे छाती से लगा सके। मुझे हाथ मत लगाना नरेश। शालमली का ये उग्र रूप नरेश के लिए बिल्कुल नया था। वो झिझक कर पीछे हटी। शालमली सीधी जाकर अपने बिस्तर पर बैठी। नरेश उसके पास न जाकर पास पड़ी कुर्सी से टिक गया। शालमली का माथा अब भी तप रहा था। ये भी कोई जीवन है? बार बार मरघट तक ले जाने और जीवित जल जाने से पहले जलती चिता से खींच उतारने का यह क्रम, बलपूर्वक जीवन दान देने की यह हट, न पूरी तरह मरने दिया जाता है न पूरी तरह जीने दिया जाता है। कभी कभी जीवन और मृत्यु में इतना कम फर्क रह जाता है। आज उसे महसूस हो रहा है कि जैसे वो स्वयं एक शमशान घाट है जहाँ पर उसके विचारों और भावनाओं का हर पल दाह संस्कार होता रहता है। शालमली बिस्तर पर लेट गई, चादर मुंह तक तान ली। आंखों में नींद कहाँ थी, वहां तो भविष्य का भयावह अंधेरा पसरा पड़ा था। उसी अंधेरे में डूबती शालमली की निर्ही काया के अंदर बैठी शालमली का समर्पण को झेल न पाई और ललकारती सी वो मूर्छित होती शालमली को जगाने लगी। जाग शालमली जाग, तू कहाँ सो गई, कहाँ खो गई? इतना अपना अपमान सहकर तुझे क्या मिल रहा है? सामाजिक प्रतिष्ठा, संबंधों का सम्मान, परिवार का मान, इस बिना छत वाली दीवारों के बीच तू किस तरह की सुरक्षा का भ्रम पाले बैठी है? उत्तेजना शालमली को सोती शीराओं में फिर से उमड़ने लगी। चादर फेंक कर वो व्याकुल सी उठी और बैठक में आई, बत्ती जलाई, कमरे में एक नजर डाली और बेचैनी से टहलने लगी। पिछले 8 वर्षों में नरेश कई बार शालमली की दृष्टि से गिरा था, मगर हर बार शालमली ने बड़ी तत्परता से उसे अपनी पलकों से संभाल कर फिर आंखों में सजाया था। मगर आज नरेश कुछ इस तरह से गिरा कि शालमली के मन ने उसे उठाना स्वीकार न किया। कहाँ गिरा, कहाँ गया, उसे नहीं पता।
तो यहाँ से इसकी जो शाल्मली की एक तरह की मेरा मेरा दखल इसमें बहरहाल है इस किरदार में, क्योंकि मेरे जो सवाल थे वो शाल्मली के ज़रिए ही मैं पूछ रही थी कि एक हद हो गई, अब शाल्मली जो है इसके साथ क्या बर्ताव करें। और शाल्मली एक जगह जाके कहती भी है कि घर मुझे छोड़ के तो नहीं जाना है, ये मेरा घर है, और कोई बिला वजह रहे चले जाए अतिथि की तरह, तो अतिथि सत्कार तो मुझे करना पड़ेगा रहे। इस पॉइंट को लोग जो थे वो समझ नहीं पाए, और ये कटाक्ष जो गहरा था वो लगातार कह रहे थे बस शाल्मली को घर छोड़ के चला जाना चाहिए था। अरे भाई, वो अपने घर में रहती रही थी, क्यों छोड़ के चली जाती? अब इनका देखिए सोच, जीवन गणित का फल नहीं, संबंध स्कूली बच्चे द्वारा लिखा अक्षर नहीं, जो बार बार गलत लिखे जाने के बाद भी सरलता पूर्वक रबर से मिटाकर दोबारा और तिबारा लिखा जा सकते हैं। यहाँ प्रश्न संशोधन और श्रुति लेख का नहीं है, बल्कि यहाँ भावनाओं की पहचान का है, जिसके प्रत्येक अक्षर जीवन से के मेरुदंड के छल्ले होते हैं, जो टूटे नहीं कि बिखरे और जीवन हो गया लुंच-पुंच। ये घर क्या सचमुच मेरा है? इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर की हर वस्तु मेरी कमाई की या मेरे पिताजी की दी हुई है, और वो स्वयं बस एक पानी से भरा तालाब बनी अपने आप को और उस घर को सींचती रही, और इस तालाब के किनारे खड़ा नरेश उसे निहारता रहा। संबंध टूटा तो घर से उसकी अपनी जो चीज़ बाहर जाएगी वो नरेश होगा, जो उसका अपना ना बन पाया। क्या वो कभी नरेश को इस घर से निकल जाने को कहेगी? यदि अपना लड़का ये करता तो माँ का कर्तव्य क्या होता? ममता के नाम पर वो हर अनुचित बात को सहती, उसे दोषी समझकर भी गले लगाती, मगर चूंकि नरेश किसी और का बेटा है इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। आखिर क्यों क्यों नहीं कर सकती? शाल्मली अकेले घाव पर टहलते हुए अपने घास सॉरी शाल्मली अकेले घास पर टहलते हुए सोचने लगी अपने और नरेश के बारे में, मानवीय संबंधों के बारे में। फिर थकी उदास सी अंदर आकर बिछौने पर लेट गई। शाल्मली जिधर दृष्टि उठाती वही दिशा पानी में डूबी नजर आती। तैरे भी तो किस पार उतरे? जहां तक नजर जाती जल का अथाह समुंदर हिलोरे लेता नजर आता है। आशा का दीप तो दूर, तिनके का भी सहारा नहीं मिलता जिसके सिरे को पकड़ कर वो उबर सके। मझधार में पड़ी यदि भंवर में डूब गई तो कौन सी कमी आ जाएगी उसके इस घर में जिसकी छत तक पानी में वो डूब चुकी है। यानी वो जल घर में बैठ के इतनी मजबूत हो चुकी है शाल्मली कि अब वो जिसे कहते हैं नरेश से एकदम उसका दिल हट गया है और वो देखती है। और यहाँ पे मैं आपको एक तजर्बे की बात बताऊँ, जब मैं पेरिस गई थी तो जो बच्चों की फिल्म जिसमें मैंने इंटरव्यू लिया था, फ्रेंच फिल्म फिलिप की, तो फिलिप की बीवी ने एक बात बड़ी दिलचस्प बताई थी कि ज़्यादातर फ्रेंच बीवियाँ जो हैं वो 8-9 साल की शादी के बाद डरना शुरू हो जाती हैं कि अब हमारा तलाक होना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर एक तनाव की कैफियत रहती है। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अजीब सी बात थी कि रिश्ते बनने के बाद टूटते कितने साल बाद हैं या उबते लोग कब हैं। तो उसमें मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो कुदरत है वो हर 11 साल बाद अपना साइकिल चेंज करती है। तो ये 9 साल की मैरिड लाइफ और 11 साल का साइकिल, ये क्या है आपस में? तो मुझे लगा कि जो लोग पछता रही थी, जो औरतें, कि मैंने बिलावजह डाइवोर्स लिया, बिलावजह उस आदमी को बर्बाद किया और अब मेरे समझ में वो आदमी आया, तो क्या हर रिश्ते में ठहरना बहुत ज़रूरी होता है या जल्दबाजी? और जल्दबाजी तो हो ही रही थी क्योंकि जो तलाक का रेशियो था वो बहुत बढ़ रहा था। औरतों को ये एहसास हो गया था
कि वो जो हैं उनको ज़रूरत नहीं है बेकार के आदमी की, एक अलग तरह का गैर इंसानी डेवलपमेंट शुरू हो गया था। अब उसकी दोस्त सरोज है, वो कहती है कि तुमको तलाक ले लेना चाहिए उस आदमी के साथ, बेकार तकलीफ़ में हो, तुम इतना सोचती क्यों हो। तो वो डायलॉग बहुत बड़ा है और उसमें बहरहाल मेरी सोच है, तो एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपके लिए पढ़ूंगी जो शालमली सरोज को कहती है। औरतों के पास दो ही अभिव्यक्तियां हैं, या सर झुका देना या समस्या को अधूरा छोड़ सर कटा लेना। मेरा विश्वास न घर छोड़ने पर है, न तोड़ने पर, न आत्महत्या पर है, न अपने को किसी एक के लिए सोहा करने में है। मैं तो घर के साथ औरत के अधिकार की कल्पना भी करती हूँ और विश्वास भी। अधिकार पाना यानी घर निकाला नहीं है, और घर बना रहने का अर्थ सम्मान को कुचल फेंकना नहीं है। ये तो हमारे मन मस्तिष्क में अति का भूत सवार हो गया है, वही जीवन के लिए विष समान है। अति के भूत के भय से सती होना चाहती हो तुम? समस्या को सतही तरीके से क्यों हल करना चाहती हो सरोज? जिस समस्या की जड़ें संसार के प्रथम बने कानून के साथ औरत के संग बांध दी गई हों और आज तक ना बदली गई हूँ, उसे तुम सिर्फ एक दहाई में उखाड़ फेंकना चाहती हो? तो ये रहा हमारे शालमली का, इसमें विचार ही विचार मैं लाई थी, और मैंने एक बहुत बड़ी समस्या को हल करना चाहा था कि लोग इस पर बहुत बहस करेंगे, लेकिन स्टीरियोटाइप सवाल थे कि वो दूसरे के पास क्यों नहीं गिरे, कोई प्रेमी क्यों नहीं चुना। तो ये हल नहीं है, ये आपका हल है। राइटर जो है वो मुक्ति पाना चाहता है कि भाई कहीं कुछ ख़त्म करो और एक दिलचस्प किस्सा चटखारेदार करके ख़त्म करो। अब इसके ऊपर जो जिस तरह का के त्रास हुए थे उसमें यादव जी भी शामिल थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक राइटअप और बहस चलाई थी और जिसमें बहुत कुछ बुरा भला इस कैरेक्टर को कहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ शालमली छपती गई, और देखिए एक वक्त ऐसा भी आया कि शालमली को कुछ मर्द जो थे उन्होंने अपनी बीवियों को पहली रात को तोहफे की शक्ल में भी दिया। सीरियल में आलम यह था कि लोग इसके लिए सीरियल और इसका इस पर सीरियल बनना भी था, क्योंकि बहुत चर्चित ये उपन्यास रहा अपनी कुछ वजूहात की वजह से। तो इसको मालगुडी डेज के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कबूल किया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद टीवी के ज़रिए एक ऐसे हाथों में गया जो जस्टिफाई नहीं हो पाया और एंड इसका बदल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी लोग आहें भरते थे और काफ़ी अच्छी तरह देखा गया वो सीरियल, और मैंने कभी नज़र भर के नहीं देखा क्योंकि बहुत बुरा बना था। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये तो मेरी सोच का सिलसिला था, अब मेरे ऊपर दो बड़े लोग गहराई से उन्होंने काम किया है। एक सुदेश बत्रा है, जयपुर की रिटायर प्रोफेसर, और एक है अशोक तिवारी, मैथमेटिक्स के टीचर और आलोचक भी हैं और कवि भी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आज अगर आप शालमली को लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा आज की शालमली। तो मुझे लगता है जो मेरी शालमली वो आज भी जिंदा शालमली है, उसके प्रॉब्लम तो हल ही नहीं हुए। वो आईएएस ऑफिसर बन के भी उसी प्रताड़ना में जीती हैं और उसी मर्द की तलाश। ये नहीं मैं कहती हूँ कि मर्द अच्छे नहीं हुए हैं या मर्द अच्छे नहीं हैं, मैं यहाँ एक दूसरे मसले पे गौर कर रही हूँ कि बेजोड़ चीज़ें जो आपस में होती, किसी का जोड़ा कहीं है और कहीं की किसी की पहचान कहीं है, तो ये इत्तेफाक अजीब तरह से टकराते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि शायद मैं आज फिर उसी कैरेक्टर को, उन्हीं परेशानियों को लेती, क्योंकि जहाँ पे औरतें बराबर के लेवल के ऊपर जो बराबरी चाहती है शालमली इमोशनली और सामाजिक तौर पे, और एक मर्द किस तरह से इज्जत करे औरत की और उसकी खूबियों की तारीफ करे, वो सब चाहत जो है वो अपनी जगह होती है। लेकिन जब जब दो ऑफिसर्स एक जगह रहते हैं, एक घर में रहते हैं, तो टकराहट भले ही उस लेवल की ना हो जो एक जाहिल और पढ़े लिखे या एक घरेलू औरत और एक कमाने वाले मर्द के बीच में हो, वो फील्ड बिल्कुल बदल जाती है।
और वहाँ पे एक तरह का तनाव और एक तरह की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तो अब सवाल तो देखिए शालमली के बहाने बहुत बड़ा है, तो फिर क्या इंसान अकेले ही रहना शुरू करते हैं, या अकेले रहने वाले भी बहुत खुश हैं और डाइवोर्सी भी बहुत खुश हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं हैं और जो अपने पतियों को प्यार करती हैं और उनसे वो चीज़ नहीं मिलती, उन औरतों का समाधान कैसे हो, उनके भी अपने सवाल हैं। और ये भी सवाल है कि एक्चुअली कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई आमादगी नहीं है, और बहुत तरह की चीज़ें हैं जो इस पूरी संस्था को जो वो क्वेश्चन मार्क में ला रहा है। कुछ समझौते से शादियां चल रही हैं, कुछ बेवकूफ़ियों से शादियां चल रही हैं, लेकिन दरअसल दो खूबसूरत इंसान जो इंसान हैं और एक दूसरे की तरह नहीं हैं, वो क्यों नहीं ज़िंदगी इंजॉय कर पाते हैं भरपूर तरीके से, क्यों इतने हबड़ तबड़ में रहते हैं और इतनी डिमांडिंग क्यों हो जाते हैं कि उसमें ये चीज़ नहीं है तो मैं तलाक ले लूँगा, ले लूँगी, या मैं छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी। बहरहाल तो यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, इससे ज़्यादा अब मुझे कहने को कुछ बाकी नहीं है। और इधर जो मैंने कुछ नई राइटर्स की और मेरे बात की पीढ़ी की जो चीज़ें पढ़ी, उसमें भी ये सवाल है कि औरत मुतमईन ही नहीं है, तलाक के बाद भी उसे पुरानी चीज़ें याद आ रही, मतलब नई लड़कियों की बात कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा आज़ादी के बाद भी डिप्रेशन में जा रही हैं, बहुत सारे लव अफेयर करने के बाद भी कहीं पे एक जगह ठहर नहीं रही। तो दरअसल खुद औरत को सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है, और इंसान को सोचना पड़ेगा वो क्या चाहता है। और ये मजाक जो हो गया है मैन वोमन रिलेशनशिप का, बिजनेस लाइक भी है कहीं पे, कहीं पे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी का भी है, एक्चुअली इंसान खेल किस चीज़ से रहा है, अपने ही इंसानियत और अपने लोगों से। तो इसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी, और अफसोस मुझे ये रहा कि मुझे 5 नावलें लिखनी थी और 5 नावलें से तीसरी नावल तक मैं नहीं पहुंच पाई, 2 नावल के बाद मैं किसी और काम में लग गई, जो होता है क्योंकि आपकी प्लानिंग जो है राइटिंग में बिल्कुल काम नहीं आती है। तो अब कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इजाज़त लूँ। कुछ सवाल है देखो, क्योंकि क्या हुआ, कुछ है ये क्या है, आज भी भारतीय समाज का यथार्थ। हाँ एक्चुअली अपनी राय लोगों ने डाली है, कोई सवाल नहीं है और सवाल हो भी नहीं सकता, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो आप लोगों की इजाजत से मैं, मेरे ख्याल से अर्पण कहाँ है, अर्पण इजाजत दीजिए मुझे ताकि मैं जी। शुक्रिया, किसी ने कहा मेरी संवेदना बहुत गहरी है, तो राइटर तो उसके बगैर जी नहीं सकता है जी। एक था ताजिर जी, कहानी पर कुछ कहेंगी मैम? हाँ वो ताजिर कहानी भी वही है, इमोशनल मसला कि वो बहुत खूबसूरत कहानी है, छोटी कहानी है, और मैंने महसूस किया कि दरअसल एहसास जो है और जो राइटिंग है वो सबका एक सिंबॉलिक एक रूपक लेके मैंने उस कहानी को गढ़ा था। और उस कहानी को बताऊं क्या मैं, एक छोटी सी कहानी है और उसको पढ़िए तो पढ़ के मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। पुरुषों को क्या करना चाहिए, तो पुरुष ही सोचे, जो अच्छे पुरुष हैं उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई वो किस तरह से अपने घर को खुश रखते हैं,
और जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मरतब मैं ट्रेवल कर रही थी तो एक साहब दूसरे साहब से कह रहे थे कि पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है, जैसे ही मैं घर में दाखिल होता हूँ उसकी शक्ल ही देख के गुस्सा हो जाता हूँ, मैं कमरे में चला जाता हूँ, टेलीविज़न खोल लेता हूँ और बस रहता हूँ। अब इस अंदाज के अगर मर्द हों तो उस बेचारी औरत जो सारे दिन घरेलू कामों से फुर्सत पा के एक अप्रिसिएशन चाहती है, मुस्कुराहट चाहती है या बात करना चाहती है, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तो मुझे लगता है कि समाज बहुत बदल रहा है और बदलेगा, लेकिन ये बदलाव बहुत मुतमईन नहीं कर रहा, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। आपस में कंपटीशन करना और किसी भी जज्बे को ना जी सकना आपस में, ये एक अजीब तरह की तकलीफ देह चीज़ है जिसमें औरतें शायद ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, या वो घर चाहती हैं और घर में हर तरह का सुख चाहती हैं, लेकिन अब औरतें भी बदल रही हैं। तो अब ये मसला है, इसको आप लोग अपने अपने तरह से हल कीजिए। और जिन लोगों ने शालमली पढ़ा है, बहुत मर्दों ने तो ये भी मुझे लिख के भेजा था कि मैं आपका मर्द शालमली हूँ। एक बच्चे ने कहा था मैं इस नॉवेल के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा क्यों, तुम्हारी उम्र छोटी और इतना बड़ा मैरिड लोगों का नॉवेल। कहा अरे बचपन से पागल हो गया हूँ माँ बाप को लड़ते लड़ते देख के, कम से कम ये सीरियल बना के मैं कुछ पैगाम पहुँचाऊँगा। तो अब मर्द औरत दोनों को इस मसले को, चाहे वो लिविंग टुगेदर हो, दोस्ती शादी हो, या मोहब्बत की हो बिना शादीशुदा के, या मैरिड लाइफ हो, उसमें आपको एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को क्या चाहिए ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी खुशी क्या है। शालमली को अपने उपन्यास में कहाँ पाती हैं, सवाल क्या हो सकता है। शालमली पे तो पूरा उपन्यास और मेरी सोच का आईना है। कुछ लोग गलतफहमी में ये रहते हैं कि ये मेरी स्टोरी, दरअसल ही मेरी स्टोरी तो है ही नहीं, मैं तो स्टोरी अपनी लिख नहीं पाऊंगी और लिखूंगी तो लोगों को आर्टिफिशियल लगेगा। जितना ज़्यादा शानदार मैंने इंटेलेक्चुअल लाइफ मेरे हस्बैंड ने मुझे दी, तो उसके ऊपर तो मैं एक आध जुमले ही बोल सकती हूँ, नॉवेल तो नहीं हूँ। इरादा आपका क्या, पूछ रहे हैं बच्चों का क्या किया जाए, बच्चों का क्या किया जाए। बच्चे दोनों की अमानत हैं, एक दूसरे से मिलने दीजिए अगर आप अलग अलग रह रहे हैं। अच्छा ये सिखाया जाए, मेरे ख्याल से देखिए औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी के साथ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या तालीम दे और किस तरह से औरतों को देखे। जब आप ही अपनी बीवी को इतनी हकारत से बात करेंगे तो बच्चा तो वही सीखेगा, और अब बच्चा नहीं भी सीखेगा तो एक दिन उसके अंदर का जो बैठा बाप है वो बाहर निकल के वही लैंग्वेज बोलने लगता, मैंने ये भी देखा है। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ख़ासकर औरतों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस किस्म की तालीम दे बच्चों को, ख़ासकर लड़कों को। और ये तालीम स्कूलों में भी होती है, होनी चाहिए कि आप औरतों के साथ या अपने साथी लड़कियों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाए, ये हो। तो अगर ये सब नहीं होगा तो फिर आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपकी शादी दोस्ती, आपके इवन कुलीग की दोस्ती पनप नहीं सकती, आपको हर वक्त शक होगा, आप इंजॉय ही नहीं कर सकते हैं। देखिए कोई भी रिश्ता एक रात में या एक साल में नहीं पनपता, उसके बहुत सारे मोड़ रहते हैं, बहुत सारी जगह पे आप बड़े होते हैं, आप उसको कश्फ करते हैं, आप उसको खोजते हैं, तलाश करते हैं। रिश्तों में बड़ा मज़ा है अगर वो लंबा लंबा जिया जाए। लेकिन हो ये रहा है कि हम जिस तरह नौकरियां बदल रहे हैं और पैकेज को देख के हम बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह हम शादी को भी ले रहे हैं। और बहुत सारी शादियां ऐसी भी हुई हैं जो इंटरनेट दोस्ती पे हुई और वो निभ नहीं पा रही हैं। तो लोग तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, इसमें नहीं है कि
क्योंकि 25% जो औरतें बड़ी मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से और अपने खुलेपन से, वो दरअसल हकीकत नहीं है हिंदुस्तान की, हकीकत कहीं और बसती है। और ये भी हकीकत नहीं है औरत और मर्द की, दोनों परेशान हैं अपने अपने अंदाज से। और शालमली जो है हमेशा सवाल करती रहेगी, और शालमली का जो किरदार है वो वाकई कृष्ण सोपती के शब्दों में वो हॉन्ट करता रहेगा, हॉन्ट करेगा। क्या सवाल है? देखिए, गांव की महिला और शहर की महिला में जज्बात में क्या फ़र्क होगा? सिर्फ ये है कि गांव की महिला भी बहुत कुछ सीख रही है, उसके हाथ में मोबाइल आ गया है, वो बहुत कुछ जान रही है, लेकिन उसमें सहूलियतें नहीं है कि वो आगे बढ़े। मेरे जाना बहुत सारे गांव में हुआ जहां लड़कियों ने पढ़ाई तो कर ली, माँ बाप ने उनको आगे बढ़ाया, नौकरी नहीं मिली, फिर अपने से कमतर लड़कों से उनकी शादी हो गई और फिर वो किसी जाहिल औरत की तरह बच्चे पालने लगीं, झाड़ू पोछा करने लगीं। झाड़ू पोछा करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, बात बहुत हो गई है और मुझे लगता है कि अब इजाज़त नहीं, कितना, एक घंटा तो हो गया होगा, तो फिर इजाज़त दीजिए और फिर मुलाकात होती है इसी मंच पे अगले महीने। क्या आखिरी सवाल क्या है? औरतों की वास्तविक आज़ादी आप किसे मानती हैं? अब ये आखिरी सवाल ने फिर मुझे रोक लिया कि औरत की वास्तविक आज़ादी आप किसे मानती हैं। मुझे लगता है औरत जिस तरह जीना चाहे अपने सरहदों में, हदों में और समाज के दायरे में और अपनी इच्छाओं में, तो पहले तो उसकी इच्छा माननी चाहिए। कुछ लड़कियां जो हैं नौकरी करना चाहती हैं, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि हम नौकरी ना करें और एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारें, तो दोनों अपनी जगह, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनसे मैं मिली हूँ जिन्होंने शादी की शर्त यही रखी कि आप ससुराल वालों से कह दीजिए कि मैं नौकरी नहीं करूँगी, जबकि डिग्रियाँ उनके पास है, वो नहीं झेलना चाहती हैं इतने टेंशन्स। शालमली और महरुख में मुझे लगता है वही फ़र्क है जो आपकी गंगा और यमुना में है। ये दोनों बहनें हैं, दो आबा की, और एक मुस्लिम कल्चर में पल के बढ़ी है, जिसको कानूनी आज़ादी मिली है वो कानून का इस्तेमाल कर लेती है, और एक जो है वो उस हिंदू माशरे की पली हुई है जहाँ मंगलसूत्र और सिंदूर की बंदिश बहुत ज़बरदस्त है, और अभी तो तलाक शुरू हो गया, पहले तो 7 फेरे और 7 जन्म का रिश्ता था, तो दोनों की मानसिक स्थिति में तो बहुत फ़र्क है। लेकिन जब वो आती हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वो अपनी बात एक ही तरह से कहना चाहती हैं, और बस ये है। और इसके साथ अब आखिरी बात की, खुदा हाफिज़।